कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूँगी कि सब खैरियत से होंगी। सो आज की वीडियो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। सो आज हम अपनी वीडियो में जो शेयर करने वाले हैं, जो क्रिएट करने वाले हैं जी, वो है ये हमारा कॉल्डस मेकअप लुक। एंड होप सो ये लुक आपको पसंद आएगा। मैंने इसको किस तरह अचीव करी है, जल्दी से वीडियो की तरफ चलते हैं ताकि वीडियो जो है वो लेट ना हो जाए और लेंथी ना हो जाए और आप इसे ईजिली से इंजॉय कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि मेरे चैनल पे अच्छे अच्छे कंटेंट देखना, ब्लॉग्स देखना, इंटरटेनिंग स्किन केयर एंड मच मोर कंटेंट, इंटरेस्टिंग कंटेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ना कर सकें तो दुआओं में बस याद रख लीजिएगा। तो चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट स्टेप के साथ। बहुत ही इजी पीजी सा और बहुत ही प्यारा सा लुक है, जल्दी से क्रिएट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में मैं क्या करने वाली हूँ, फर्स्ट स्टेप में पहले अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करूँगी। सो लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, वैसे मैं लिप के लिए यूज़ करूँगी ताकि मेरे लिप्स जो है वो मॉइस्चराइज हो जाए। सो सबसे पहले हम इसको ही फॉलो करते हैं, एक अच्छी सी लेयर लगा लेंगे। मैंने एक थिक लेयर जो है अपने होंठों पे ये जो है वैसलीन की लगाई है ताकि मेरे लिप्स जो है वो अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएं और जल्दी हो जाएं, क्योंकि मुझे वीडियो में थोड़े ही टाइम में, या अगर आप किसी फंक्शन में भी जाने वाले हैं तब भी। वैसलीन की लगा लिया, आप देख सकते हैं इससे मेरे लिप्स जो है वो अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएंगे जब तक हमारा मेकअप होगा। उसके बाद हम जो भी लिप शेड जो है वो लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। हमारे लिप्स जो है अच्छे से मॉइस्चराइज हो चुके हैं। सो या इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, हमने अपने लिप्स को तो मॉइस्चराइज कर लिया, नेक्स्ट जो स्टेप हमारा है वो जी हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करना। आई नो मेरे आजकल स्किन में बहुत सा ब्रेकआउट हुआ है, आई थिंक मौसम चेंजिंग की वजह से, या कैसे भी बहुत ज़्यादा जो है वो ना इशू हो रहा है स्किन पे, बहुत ज़्यादा इचिंग वगैरह हो रही है। सो दैट्स वाई मैंने जो है ये वाला मॉइस्चराइज़र मंगवाया है जेनफार्म का। अगर आपने इसका रिव्यू मेरे चैनल पे नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत किस तरह से अप्लाई करना है, कैसे लगाना है, वो सारा जो है मेरी वीडियो में आपको मिल जाएगा। सो ये मॉइस्चराइज़र हम लेंगे और इसको अपने पूरे फेस पर जो है वो अप्लाई कर देंगे। अच्छा, इस मेकअप का सबसे मेन पार्ट और जो बेस्ट थिंग है ना वो यही है कि आप जो है ना इसमें ज़्यादातर स्किन केयर ही यूज़ कर रहे हो और स्किन जो है वो अपनी अच्छे से मॉइस्चराइज करके लाइट सा जो है आपने अपना मेकअप करना होता है। सो ये देखें, मॉइस्चराइज़र लगाने के साथ ही स्किन पे ग्लो है, इवन के डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं, जस्ट बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा पिछले दिनों में इशू हो गया था वो इचिंग वगैरह का। सो मैं बहुत ज़्यादा नोच रही थी जो भी पिम्पल्स या जो भी हो रहा था, सो इसलिए जो है वो काफ़ी मार्क्स जो हैं वो अपेयर होने लग गए हैं। सो या अब इसके बाद जो है हमने अपने मॉइस्चराइज़र को अच्छे से सेटल कर लिया, इसके बाद जो हमारी बारी आती है प्राइमर की, ताकि हमारे पोर्स जो हैं वो मिनिमाइज़ हो जाएं और अच्छे से जो है हमारी स्किन जो है मैटिफाई हो जाए, हमारी स्किन जो है टेक्सचर अच्छा लगे। सो उसके लिए जो है आप अपना प्राइमर कोई भी यूज़ करिएगा और मस्ट यूज़ करिएगा, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे जो प्राइमर मैं यूज़ कर रही हूँ वो सीरम प्लस प्राइमर है, इसका रिव्यू भी मेरे चैनल पे है, अगर आपने नहीं देखा तो मस्ट देखिएगा, बहुत ज़रूरी है। आपका स्किन टोन कुछ भी हो, कैसा भी हो, बट आपकी स्किन केयर करना, आपको अपनी स्किन से प्यार करना, ये कोई बुरी बात नहीं है। कि आपका स्किन डस्की है, डार्क हो, तो आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, आप मेकअप नहीं कर सकते। ऐसी चीज़ें मैंने भी बहुत ज़्यादा फेस की, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे नॉलेज है कि मुझे किस तरह से रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। सो अब मैं वही करती हूँ जो मुझे सही लगता है और मेरी फैमिली के लिए सही है, या मैं जिसकी वजह से अपने रब के सामने शर्मिंदा ना हूँ, मतलब इस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी को अब लेके चल रही हूँ। पहले बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी, खैर ये बातें इस तरह करूँगी तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है। सो अब हम प्राइमर ज़रूर लगाएंगे। प्राइमर आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए और आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और ये जो डॉक्टर रशिल का सीरम है काफ़ी अच्छा है आपकी स्किन के लिए, आप इसको एज अ सीरम, एज अ प्राइमर दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो ये भी मुझे जो है बहुत अच्छा लगा था। तो आपके जहाँ पे पोर्स हैं वहाँ पे तो आपने अच्छे से अप्लाई करना है। सो मेरे यहाँ नोज़ पे और यहाँ जो है वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं पोर्स हो हैं ओपन, सो दैट्स वाई। सो या इसको हमने सेटल कर लिया है, थोड़ा एक आधा सेकंड दो सेकंड दे देते हैं ताकि और अच्छे से हो जाए और उसके बाद हम अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे। सो
तो हमने अपनी स्किन को अच्छे से अपने मेकअप के लिए प्रिपेयर कर लिया है। सो ये जो है कॉल्ड मेकअप लुक लिटरली बहुत अमेजिंग लगता है मुझे, इसने बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया। सो दैट्स वाई मैंने एक दिन के बाद ही उसको जल्दी से जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिया। आई डोंट नो आपके पास वीडियो कब पहुँचेगी। तो हमारा जो स्किन केयर का जो स्किन प्रिपरेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। हाँ, अगर आपकी डार्क स्पॉट्स वगैरह नहीं है तो आप जल्दी से कंसीलर से भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं अपने लुक को। लेकिन अगर आपकी स्किन मेरी तरह है, लाइक अनइवन टोन है, तो आपको आपकी स्किन को उस टोन में लाना होगा। थोड़ी सी एफर्ट जो है वो ज़्यादा करनी पड़ेगी। खैर, इसके साथ ही आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेंगे जी अपना कंसीलर। डार्क वाला कंसीलर लूँगी ताकि मेरे जो डार्क सर्कल्स वगैरह हैं, अनइवन स्किन टोन है, वो अच्छे से हाइड हो जाए। अच्छा, इस लुक के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी ग्लोइंग में जाएं या मैट में जाएं, या आपके लिए ऑप्शन है कि आप इसको मैट के लिए मैट की तरह प्रिपेयर करते हो या एक ड्यूई सा लुक देते हो। सो ये आप है कि आप विंटर में कैसा पिंकिश और कोल्डर लुक चाहते हैं। सो या अब करते हैं अपने मेकअप को स्टार्ट। सो ये मेरा जो है ना, यहाँ पर थोड़ा लाइट लग रहा होगा कंसीलर, जबकि ये मेरी स्किन से थोड़ा डार्क कंसीलर है। इस तरह से आपने अपने कंसीलर को लेना है। आप लेंगे पफ। अच्छा, मुझे ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं और पफ। मुझे पर्सनली जो है इससे पफ से जो है सेटल करना या ब्लेंड करना ज़्यादा बेहतर लगता है। सो मैं यहाँ पे ब्लेंडर ही यूज़ कर रही हूँ, सॉरी पफ ही यूज़ कर रही हूँ। आई डोंट नो आज मैं इतना उल्टा सीधा क्यों बोल रही हूँ। आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक जो है हमारे डार्क सर्कल्स वगैरह हाइड हो चुके हैं। अब मुझे क्या ज़रूरत है, अब मैं अपने कंसीलर जो लाइट कलर का कंसीलर है उसे लगाऊंगी। इसको आप फाउंडेशन के बाद भी लगा सकते हैं और पहले भी। ये लाइट कलर का कंसीलर लगा ली, सॉरी अगर आवाज़ पीछे से आ रही हो तो। अच्छा, मैं प्रोडक्ट्स का इसलिए नहीं बताती कि आपके पास जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है ना, आप वो यूज़ करें। ये ना देखें कि मैं क्या यूज़ करें, क्योंकि मुझे एक कमेंट में आया था कि आप जो प्रोडक्ट यूज़ करती हैं वो भी बताएं। सो यहाँ पे जो है वो मैं मिस रोज़ का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, आपके लिए बता रही हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट मैंने लिया आप उसी प्रोडक्ट से मेकअप करें, बल्कि आपके पास जो अवेलेबल है आप उससे मेकअप करें। अच्छा, अगर आप बहुत ही लाइट मेकअप करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। आई मीन कि आप अपनी फाउंडेशन यूज़ नहीं करना चाहते तो इट्स अप टू यू, आप ना करें। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। सो यहाँ पे मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही कम लेते हुए, क्योंकि थोड़ा सा लाइट मेकअप ही चाह रही हूँ मैं, ज़्यादा मतलब हैवी नहीं करना चाह रही। और मेरे अकॉर्डिंग जिनकी डस्की स्किन है, आई थिंक उनके लिए फाउंडेशन जो है कंसीलिंग वगैरह के बाद अप्लाई करना मस्ट हो जाता है, ताकि आपकी स्किन जो है प्रॉपरली इवन टोन हो जाए, वो कंसीलर से कवर नहीं होती। देख सकते हैं फाउंडेशन जो है वो मैंने अच्छे से सेट कर ली है। अब हमने क्या करना है, अगर आप ड्यूज चाहते हैं तो ड्यू फाउंडेशन को इसी तरह रहने दें, लेकिन अगर आप चाहते हैं अपने फेस को थोड़ा सा मैट करने के लिए तो फिर आप अपना कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं ये ग्लैमरस का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ, इसका शेड मेरा है 01। सो मैं 01 शेड जो है वो इसका यूज़ कर रही हूँ। इससे बड़ा अच्छा सा लुक आ जाता है। अच्छा, कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने से ऐसा लगता है कि आपकी जो फाउंडेशन अजीब सी दिख रही होती है, मतलब कि आपकी फाउंडेशन बिल्कुल सेट नहीं हुई होती। वो जो आप कॉम्पैक्ट पाउडर लगाते हो तो लिटरली आपकी फाउंडेशन बिल्कुल स्किन की तरह लगने लग जाती है। सो यहाँ पे आप देख सकती हैं मेरी फाउंडेशन जो है बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हम अपनी
आईब्रोज़ को जो है वो शेप देंगे, क्योंकि हमारी आईब्रोज़ ही इसमें ज़्यादा मेन काम है, हाइलाइटेड वर्क है बल्कि जो हमें करना है। सो यहाँ पे मैं कौन सा मिस रोज़ का ही आईब्रो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसमें पाउडर भी है और क्रीमी भी, सो मैं एक क्रीमी ब्राउन सा शेड लूँगी और उससे जो है वो अपने आईब्रोज़ फिल करूँगी। सो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस आ जाता है आईब्रो सेट करने से। अब इसी तरह हम अपनी दूसरी आईब्रो को सेट कर लेंगे। सो आईब्रोस डन हो चुकी हैं, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने आई शेड्स की तरफ। आई शेड में आप कोई से भी इस तरह के पिंक, लाइट पिंक सा कलर यूज़ कर सकते हो, जो आपने ब्लश के लिए यूज़ करना है उसी को तकरीबनली अपने उस पर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप किसी भी लाइट पिंक कलर या पिंक कलर की लिपस्टिक को यूज़ करते हुए अपना सारा मेकअप कर सकते हैं। सो यह आप पे है कि आप कैसा करना चाहते हैं। इस तरह की कोई पिंक सी लिपस्टिक हो तो लिटरली उससे भी आपका ये मेकअप जो है अचीव हो सकता है। सो अब आप पे है कि आप किससे वो जो है करना चाहते हैं, पैलेट से या फिर इससे से, ये आप पे है। सो अभी जो है वो मैं अपनी पैलेट की तरफ जाती हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे क्या कहते हैं पैलेट से ही यूज़ करना ज़्यादा पसंद है। सो मैं इसको ही यूज़ करते हुए अपने इसी तरह मैं यहाँ रखते हुए, आपने यहाँ पे रखते हुए इसको इस तरह से फैलाना है, ठीक है, मतलब कि पूरा यहाँ पे रख के नहीं फैलाना, यहाँ पे रखेंगे और फिर इस तरह से आगे। सो अब आपने क्या करना है, आपने लेना है अपना कोई सा भी ब्लश ब्रश, और जो आपने पिंक कलर चूज़ किया था उसी को लेते हुए थोड़ा सा डस्ट आउट करके और इस तरह से आप आ जाएंगे। सो ये आपका ब्लश भी इसी कलर के साथ जो है वो हो जाएगा। आपको लाइट रखना है, डार्क करना है, इट्स अप टू यू। आपको नोज़ पे लगाना है नहीं लगाना है वो आप पे है, ठीक है, वो आप देख लें कि आपको कैसा अच्छा लगता है। बट अगर आप बिल्कुल ही कोल्डेस्ट लुक चाहते हो लाइक जैसे मैं चाह रही हूँ, तो फिर तो आपको ये यहाँ पे भी लगाना चाहिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है। देख रहे हैं आप, आ रहे हैं ना कोल्ड कोल्ड सा लुक। सो इस तरह से आप जो है कोल्ड लुक अचीव कर सकती हैं। अगर आप चाहती हैं तो यहाँ करें, नहीं चाहती तो ना करें, ये मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं तो करूँगी। सो या मैं, मुझे पसंद है, सो या मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं लिटरली इतना आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, दिस इज़ दी कोल्डेस्ट लुक आपका जो है क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, अमेजिंग, सुपर अमेजिंग। सो हमारी जो है सारा कुछ काम जो है हो चुका है। अभी जो है एक काम आइज़ का जो हमारा रहता था वो था मस्कारा। सो आपने कोई भी अच्छा सा मस्कारा लेना है और फिर अपनी आइज़ को, अपनी आई लैशेज को जो है वो थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए। यू कैन सी लिटरली अमेजिंग अमेजिंग जो है हमारी आईज, मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है ये मेकअप, सुपर्ब अमेजिंग, ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। सो अब चलते हैं हम अपने लिपस्टिक की तरफ। सो लिपस्टिक आप ये भी यूज़ कर सकती हैं, कोई और भी लाइट पिंक जिस तरह की आपको पसंद हो वो आप यूज़ कर सकती हैं। सो मैं इसी को लेते हुए यूज़ करूँगी, क्योंकि मैंने बोला था कि आप इसको लेके सारा मेकअप कर सकते हैं, तो कर सकते हैं आप पे है, तो मैंने कहा थोड़ा सा इसको भी यूज़ कर ही लिया जाए।
ज़रूर ज़रूर बताना है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आई डोंट नो वाई बट या अच्छा लग रहा है मुझे। कोई अपने काम की खुद ही तारीफ करे क्या है, कभी कभी कर लेनी चाहिए। इसको थोड़ा और डार्क कर रही हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। सो ये है जी हमारा आज का लुक, एंड होप सो कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा और गर्ल्स के साथ इस कोल्डेस्ट मेकअप लुक को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लड़कियों को बहुत पसंद आने वाला है। एंड अगर आप चाहें तो इसमें लाइनर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं ऐड किया जस्ट बिकॉज मुझे ये जो लुक है इस तरह से सिंपल सा डिसेंट सा चाहिए था। कैजुअल वेयर के लिए भी ये बहुत अमेजिंग है, एंड आप इस तरह से कैरी कर सकते हैं। आप चाहें तो हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं, सो जितना हाइलाइटर आप लगाना चाहें उतना लगा सकती हैं, लेकिन मैं कहती हूँ थोड़ा सा हाइलाइटर जो है वो कॉर्नर्स में ऐड कर लेती हूँ, बाकी नहीं। आई थिंक ये ज़्यादा जो है मैट में अच्छा लगेगा, दैट्स वाई मैंने जो है हाइलाइटर इतना नहीं लगाया। सो आप पे है, आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना तो इट्स अप टू यू। सो ये है हमारा कोल्डेस्ट मेकअप लुक, मैं तो बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो गई हूँ उसको क्रिएट करके। मीन के बहुत ही प्यारा यार लगता है ये, विंटर्स में तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ज़रूर ज़रूर ट्राई करना है गर्ल्स, और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको ये कैसा लगा। सो ये है हमारा फाइनल लुक, एंड होप्स हो कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्ला। और कुछ ना कर सकें तो दुआओं में बस याद रख लीजिएगा।